जब से सारांश की मौत हुई है तब से रुद्राक्ष और प्रशा, जो हमेशा सबके लिए एक आइडल कपल हुआ करते थे, हमेशा एक प्यार की मिसाल हुआ करते थे, उन दोनों के बीच में ऐसी दरार आई है जो कि भरने का नाम नहीं ले रही है। अब आने वाले एपिसोड में होने वाले हैं काफ़ी बड़े खुलासे, समझ आने वाली है सबकी गहरी चाल कि कौन है अपना, कौन है पराया। रुद्राक्ष के सामने सुलोचना का भी एक ऐसा बड़ा सच निकल कर सामने आने वाला है जिसके बाद उसके पैरों तले ज़मीन खिसक ही जाएगी। वेल, रिसेंटली चल रही स्टोरी लाइन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि जब से सारांश गया है, प्रशा से रुद्राक्ष को हो चली है नफरत, और इसी नफरत के चलते रुद्राक्ष ने प्रशा को सबक सिखाने का फैसला भी लिया, जिसके लिए रुद्राक्ष की लाइफ में कदम रखा देविका मैडम ने। देविका से रुद्राक्ष शादी करने की बात प्रशा को जलाने के लिए तो कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी वैसे वैसे रुद्र और देविका की शादी का दिन भी नज़दीक आ गया। लेकिन प्रशा ने जो कसम खाई थी वो उस पर अभी भी कायम है कि रुद्राक्ष की लाइफ में वो वापस नहीं लौटेगी, क्योंकि सारांश की मौत का सारा जिम्मा रुद्राक्ष ने प्रशा के सर पर मढ़ दिया है। अब ऐसे में प्रशा अपनी डिग्निटी, अपने रिस्पेक्ट और अपने इमोशंस को संभाल कर अरमान के साथ खुश होने का नाटक करके रुद्राक्ष को अच्छे से टॉर्चर भी कर रही है। लेकिन बहुत जल्द आप देखने वाले हैं कि शो में कुछ ऐसे बड़े खुलासे होने वाले हैं जिसके बाद पूरी तरीके से पलट कर रख जाएगी शो की कहानी। एक तरफ तो अरमान और प्रशा की कहानी तो दूसरी तरफ देविका और रुद्राक्ष की शादी की तैयारी, और इसी के बीच में हो चुकी है शो की दो मेन विलन्स की वापसी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं विलन मिश्का और विलन अहाना की। अहाना और मिश्का का हो चुका है कमबैक। रुद्राक्ष को पता चल चुका है कि उस हादसे में मिश्का की जान नहीं गई थी, वो है जिंदा, और रुद्राक्ष को ऐसा अनुमान है कि अगर मिश्का भी जिंदा है तो यकीनन उसका बेटा सारांश भी जिंदा ही होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर सारांश अगर जिंदा है तो है कहाँ, कौन है सारांश के पीछे, उसके किडनैपिंग के पीछे का बड़ा मास्टरमाइंड, किसकी मर्जी से भला सारांश यहाँ पर मिश्का अहाना के साथ लौट कर नहीं आया है। क्या सारांश के बिना मिश्का और अहाना का रुद्राक्ष के साथ मिलना महज एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश है, यही सब आपको आने वाले एपिसोड में पता चलने वाली है। और बहुत जल्द रुद्राक्ष के सामने होने वाला है ये बड़ा खुलासा कि सारांश जिसकी गिरफ्त में है वो अहाना या फिर मिश्का नहीं, बल्कि उसकी ही माँ सुलोचना है। जी हाँ, जो शो की सबसे बड़ी मेन विलन है, जो इस पूरे हादसे की मास्टर माइंड है, वो है सुलोचना, और उसी के कहने पर सारांश को रखा गया है कहीं दूर कैद, और सारांश को किडनैप करवाने के पीछे सुलोचना का ही हाथ था। बहुत जल्दी सुलोचना है सारी गेम की मास्टरमाइंड। रुद्राक्ष के साथ में ये बड़ी पोल खुलने वाली है। अब देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग, कि जब रुद्राक्ष के आगे सुलोचना का एक बार फिर से पूरा घिनौना चेहरा आ जाएगा सामने, तब वो क्या करने वाला है, कैसे सारांश को वापस लाएगा, और सारांश के साथ साथ क्या प्रशा भी रुद्राक्ष की लाइफ में लौट आएगी, ये सब कुछ देखना होगा, काफ़ी खास। वेल, ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल सीरियल सियापा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।